आज उसको तोड़ने के लिए हमने शक्ति प्रोजेक्ट तैयार किया है। शक्ति प्रोजेक्ट के माध्यम से आप कांग्रेस पार्टी को आपके दिल में जो है आपकी आवाज सुना सके। महिला कांग्रेस के लिए हमने एक स्पेशल नंबर दिया है, उसमें आप हमें अपना वोटर आईडी नंबर व्हाट्सएप या एसएमएस से 7996479964 पर करें और जो आपके दिल में है आप हमें बताना शुरू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले प्रोजेक्ट शक्ति हमारे कांग्रेस कमेटी ने, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने लॉन्च किया। हमारे जो नेता हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने ये इस प्रोजेक्ट शक्ति जो है ये असल में जो है वर्कर को शक्ति देने के लिए लॉन्च किया गया है। बात यह है कि कई बार वर्कर्स अपनी बात अपने लीडर तक पहुंचा सके, अपने क्षेत्र की, अपने ज़िले की, अपने प्रदेश की या देश में जो घटनाक्रम चल रहा है उसके उसको लेकर अगर वो अपनी कोई पीड़ा, अपनी कोई बात, अपना कोई सुझाव दे देना चाहें तो उसके लिए एक टोल फ्री नंबर लॉन्च किया गया। महिला कांग्रेस के लिए अलग से जो है एक टोल फ्री नंबर 799-64 करके लॉन्च किया गया है, क्योंकि हम महिला जो है देश की आधी आबादी है और वो महिला उनकी आवाज़ ताकि हमारे नेता तक, राहुल गांधी जी तक डायरेक्ट पहुंच सके, उसके लिए स्पेशल ये नंबर, टोल फ्री नंबर लॉन्च किया गया है पैन इंडिया, पूरे भारतवर्ष के लिए, जिसमें महिला वर्कर को इस नंबर से जोड़ा जाएगा। हमारा प्रयास ये है कि ये नंबर ज़िले से गुजरते हुए हमारे ब्लॉक्स तक जाए, बूथ तक जाए, गांव तक जाए और एक एक वार्ड में हमारी जो वर्कर हैं या हमारी कोई ऐसी बहन जो महिला से, जो कांग्रेस से जुड़ना चाहती हैं, राहुल गांधी जी तक, हमारे हाईकमान तक अपनी कोई बात पहुंचाना चाहती हैं तो उसके लिए ये नंबर दिया गया है। ये नंबर में आपको व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से आप अपना वोटर आईडी, जिसमें आपका नंबर होता है, वो आप टाइप करेंगे। आपको थोड़ी देर में एक मैसेज आएगा जिससे आप प्रोजेक्ट शक्ति से जुड़ जाएंगी और उसके बाद आपका संवाद राहुल गांधी जी से शुरू हो जाएगा, हमारी महिला वर्कर का या हमारी उन बहनों का जो अपना कोई बात, अपना कोई सुझाव, अपनी कोई पीड़ा, अपनी कोई तकलीफ राहुल गांधी जी तक पहुंचाना चाहती हैं, उन तक उनको बताना चाहती हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट, जो एक बहुत ही अच्छी सोच हमारे नेता ने हमें दी है और हम में उत्साह का एक संचार हुआ है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब हमारे वर्कर्स को ये लग रहा है कि हम डायरेक्ट अपनी बात को हमारे नेता तक पहुंचा सकते हैं और ये एक बहुत अच्छी पहल जो है की गई है। और मैं राजबब्बर साहब, जो हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनका धन्यवाद करूंगी कि आज वे हमारे साथ महिला कांग्रेस के इस लॉन्चिंग उसमें साथ रहे और उन्होंने इसको लॉन्च किया महिला कांग्रेस के साथ। और इससे हमें पूरी उम्मीद है कि महिलाएं जो हैं काफ़ी जुड़ेंगी और हम लोग उनकी जो भी बातें हैं उनको कांग्रेस पार्टी गंभीरता से हमेशा से लेती आई है। और आप सब जानते हैं किस तरीके से हमारी जो नेता हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी 33% रिजर्वेशन को लेकर सीरियस है कांग्रेस पार्टी, और उसके लिए हम चाहते हैं कि हमारी महिलाएँ जो हैं बैक फुट में ना रह के फ्रंट फुट में आए, सामने आए और सामने से अपनी बात को रखें और उनकी जो भी बातें हैं वह जनता की जो भी बातें हैं वो राहुल जी तक पहुँचें, हमारी कांग्रेस पार्टी तक पहुँचें और हम लोग उनसे कहीं पर भी उनके सुझाव भी लें और कभी अगर हमको कोई सुझाव चाहिए तो हम वे सुझाव भी उस नंबर में, जो भी नंबर हमारे पास होगा उनसे हमारा संवाद शुरू हो जाएगा। इस एक तरीके से देखा जाए तो महिला कांग्रेस का राहुल जी के साथ डायरेक्ट जो है एक संवाद होगा और इससे हमें बहुत उम्मीदें हैं और हमें पूरा विश्वास है कि महिला कांग्रेस इससे बहुत, इससे प्रेरणा मिलेगी हम लोगों को और हम लोग अपनी कोई भी बात जो है बेझिझक बिना किसी रोक टोक के पूरी तरीके से अपने नेता तक पहुंचा पाएंगे और हम लोग काफ़ी, हमें आगे बढ़ने के लिए एक बहुत अच्छा, हमारी महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है। और मैं आप सभी का, हमारे प्रेस के जो बंधु हैं उनका भी धन्यवाद करूंगी और सभी का धन्यवाद करूंगी और मैं चाहूंगी कि ये बात जो है जन जन तक पहुँचे कि आज एक मन की बात तो सब करते हैं लेकिन जन की बात करने वाले नेता राहुल गांधी जी
हमारे हैं कांग्रेस पार्टी के, जो जनता की बात सुनना चाहते हैं, जनता का संवाद सुनना चाहते हैं और उस संवाद को सुनकर वे उसी कार्य अपनी कार्य प्रणाली उसी तरीके से कार्य कर रहे हैं। इसलिए ऐसे जनता के नेता जो जनता की बातों को सुनते हैं, जो वर्कर की बातों को सुनते हैं, अहमियत देते हैं, उनको बहुत गूगल तक जाना पड़ा, कितनी सच्चाई। देखिए, आपने जैसे औचक आपने ये सवाल मुझसे किया, मैं इसके लिए तैयार नहीं था। और चैनल पर तो और भी आपके एंकर भी होते हैं और बाकी भी जो हैं सामने जो प्रवक्ता बैठे होते हैं, तो वहाँ पर कोई ये नहीं है कि आप कोई सिर्फ एक तैयारी करके जाएं। और आपने इसमें एक सवाल में चार सवाल खड़े कर दिए। आपने ये भी कह दिया कि साहब इम्तिहान ली गई, दूसरा आपने ये भी कह दिया कि नकल की गई, तीसरा आपने ये भी कह दिया कि इसमें पास फेल का भी कुछ फैसला होने वाला है, और उसमें वो चौथा आपने बोल दिया कि साहब सीनियर्स के साथ में ऐसा हुआ है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा विनम्रता से कहना चाहूँगा, पहली बात तो ये कोई इम्तिहान नहीं था, दूसरी बात ये था किसी को ये फेल करने के लिए नहीं। एक AICC की जिस तरह से एक प्रक्रिया शुरू हुई है कि सीधा संवाद, ऐसा ही जो है हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी हमारे अध्यक्ष, वो चाहते हैं कि तमाम PCCs के अंदर AICC का एक कोऑर्डिनेशन रहे, ताकि AICC कुछ अलग बात बोल रहा है, PCC कुछ अलग बात बोल रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि हम प्रदेश की हमारी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जब हम बैठते हैं चैनलों पर तो उसमें कहीं ना कहीं जो है राष्ट्र की प्रॉब्लम सामने आती है, और हम अपनी बात को या दूसरा सामने वाला अपनी बात को उन उपलब्धियों को गिनाना शुरू कर देता है। और हमारे सामने चुनाव विधानसभा के भी हैं, और हमारे सामने चुनाव जो है वो लोकसभा के भी हैं। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये प्रक्रिया पहले गुजरात में की गई, वहाँ पर जो है स्पोक्स पर्सन जो है जो भी तय हुए, उसके बाद में फिर जो है वो कर्नाटक में हुआ यही प्रक्रिया के साथ में, फिर मध्य प्रदेश में हुआ इसी प्रक्रिया के साथ में, अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हुआ है, परसों शायद जो है वो परसों या नरसों मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगले हफ्ते वो राजस्थान जा रहे हैं। तो पूरे देश के अंदर इस प्रक्रिया को एक जो है सेंट्रलाइज करके एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम दिल्ली में बैठने वाले जो हमारे AICC के साथी हैं, शायद उनको नहीं मालूम कि उत्तर प्रदेश की कितनी समस्याएं हैं। तो इससे क्या होगा कि एक आदान प्रदान होगा जानकारियों का। और एक थोड़ी सी आप बात को मैं उसको बता दूं कि शायद आपका कहना सही हो, पहली बात पास और फेल नहीं, जो गिनतियों को इस तरह से समेटा जाएगा कि जिसमें एवरेज उम्र जो होगी वो 40 साल होगी। अब लोगों ने एवरेज उम्र को समझ लिया कि 40 साल की उम्र वाला प्रवक्ता हो, नहीं, मेरी उम्र 75 साल हो सकती है, इनकी उम्र जो 25 साल है, सामने वाले की उम्र जो 35 साल है, इनकी 60 साल है। तो जब जितने भी प्रवक्ताओं की जो गिनती तय की जाएगी या पैनलिस्ट की, उसकी एवरेज एज 40 होनी चाहिए। ये एक प्रक्रिया बहुत स्पष्ट है, इसके अंदर कोई फेल नहीं हो रहा। किसी अनुभवी आदमी को हम फेल कर सकते हैं, या वो लोग फेल करने वो तो खुद बच्चे थे बेचारे जो आए हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं मीडिया के अंदर मेरा अपना एक योगदान है, मेरे पास भी सवाल कल आए थे, मैं उनको बड़ा हल्का समझता था, अरे ये क्या ज़िंदगी के मंदे आए, वो क्या था, मेरी आदत ख़त्म हो गई कि मैं जो मामूली चीज़ें हैं उस पर से ध्यान हटाना शुरू कर दिया। तो मामूली चीज़ें कभी कभी जो हैं, ये राहुल गांधी की सोच है कि मामूली बात है, कि ज़रूरी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की मीटिंगों में आने वाला भाषण देने वाला वही नेता है। जो बात अपने दिल की कह सके, घर में बैठे हुए जो बेलन पे जो बेलन चला रही है, उस महिला का संपर्क कैसे, उसका समझ में कैसे आए कि वो क्या कहना चाहती है, ताकि हम पार्टी को उस राह पर लेके जाएं। मेरे ख्याल से मैं अपनी बात कह चुका हूं, ना तो ये पास फेल है, ना किसी का तिरस्कार है, गिनतियों को समेट कर 40 की एवरेज उम्र पर लाना है। थैंक